दिग्विजय सिंह ने बताया क्या होता है पनौती। तंज कसते हुए बोले, पीएम मोदी तो विश्व गुरु, फिर बीजेपी ने उन्हें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के चुनावी समर से उठा एक शब्द राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक खूब चर्चा में है। ये शब्द है पनौती। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी को अभी घेर ही रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को और भी बढ़ा दिया। दिग्विजय सिंह ने पनौती शब्द को परिभाषित करते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए लिखा, पनौती का क्या अर्थ है? मैंने पता लगाया, ये एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते होते रह जाए तो उस इंसान को पनौती कह दिया जाता है। पनौती शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर लाता है, इसलिए इसे नकारात्मक शब्द कहते हैं। विश्व कप प्रारंभ होते ही सोशल मीडिया पर यह शब्द ट्रेंड करने लगा। ये किसके लिए कहा गया? स्टेडियम में हजारों लोग थे। भाजपा ने मोदी जी को पनौती क्यों मान लिया? वे तो उनकी नजर में विश्व गुरु हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री को दी गाली, मांगे माफी। बीजेपी दरअसल एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार के परिप्रेक्ष्य में पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का आरोप लगाया और उनसे माफी मांगने की मांग की। याद है? हाँ, क्या पनौती? पनौती, पनौती। वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हार की हताशा में राहुल गांधी इतने परेशान हो गए हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों के पास जाकर उनकी मदद करते हैं, स्नेह करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। आज भारत के खिलाड़ी एशियाड में, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, हार जीत होती रहती है। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग पहले उनके समर्थक करें और फिर राहुल गांधी। स्वयं भी अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ये निंदनीय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शब्द को पीड़ादायक बताते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर उन्होंने अपनी मंद बुद्धि को जनता के सामने आज वो लेकर के आए हैं। और ये इस प्रकार के पनौती शब्द का उपयोग करके उन्होंने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। ये राहुल गांधी ही बोल सकते हैं। और राहुल गांधी जी, आपको देश देख रहा है कि आपकी मंद बुद्धि कितनी है कि जिस दुनिया के लोकप्रिय नेता को 12 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हो और आप इस भाषा का उपयोग करते हैं। देश के अंदर कांग्रेस नेस्तनाबूत हो रही है और आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। आपने 130 करोड़ जनता का अपमान किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।